देखिए, चुनाव में यदि अपने आप को किसी ने साबित किया है तो अखिलेश यादव नहीं है, वो है चंद्रशेखर आजाद। उस व्यक्ति ने अकेले दम पर अपने पूरा चुनाव जीता, उसको कोई सपोर्ट नहीं किया था। इवन समाज पार्टी बात चल रही थी, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को एक सीट देने तक की जरूरत नहीं समझी। वो व्यक्ति समाज पार्टी से भी लड़ा, कांग्रेस से भी लड़ा, भाजपा से लड़ा और लड़कर ने अपना चुनाव जीत के आज वो संसद का सदस्य है। वो तो रही बात मायावती, इस बात को खतरे में से पहचान लेंगे। जो व्यक्ति दम पर सीट निकाला हुआ है उस व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ बात तो है, उससे रखने की जरूरत तो है। चंद्रशेखर आजाद जो है देखिएगा भविष्य में एक बड़ा प्लेयर बनकर निकलने वाला है राजनीति का जो है, उससे सिर्फ मायावती को नहीं, सबसे पहले तो मायावती को है, बाद में देखिएगा और बाकी के लिए खतरा उत्पन्न होगा चंद्रशेखर आजाद। अगर कोई व्यक्ति सीट निकाल रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर नेतृत्व क्षमता है, वो उसके लिए काबिल व्यक्ति है। और ही डर है मायावती को, कहीं ना कहीं मायावती लगता है कि ऐसा ना कहीं हो कि मेरी कुर्सी चंद्रशेखर के पास पहुंच जाए, क्योंकि मायावती के पास चंद्रशेखर से है और चंद्रशेखर का जो कद है वो युवाओं के खास दलों के बीच में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। जो राजा भाई की प्रॉपर्टी छत्रियों में है वही इस समय चंद्रशेखर आजाद की जो लोकप्रियता है वो दलित युवाओं के बीच में है। और चंद्रशेखर आजाद किसी भी जनपद में चला जाए उत्तर प्रदेश के, उसके पास 100-200-500 भीड़ तुरंत आ जाती है कि मुझे लगा चंद्रशेखर आजाद आया है। तो क्या मायावती उसी फॉर्मूले पे अभी चल रही है जिसपे कांशीराम चले थे, जैसे मायावती को आगे पेश किया गया था भविष्य, आकाश को वो पेश कर रही है? देखिये मायावती मुझे लगता है थोड़ा सा उनको देर हो गया है, साथ में मायावती जो है पूर्ण सरकार बनाती है और उसके बाद मायावती हाथ दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही थी। मायावती को इस पर कभी विचार करना चाहिए, उनको तो क्या करना है। आकाश आनंद को उनको पहले जिम्मेदारी दे देनी चाहिए थी। लोकसभा चुनाव में जो आकाश आनंद ताबड़तो रैली कर रहे थे तो उनको मुझे दबाने की कोई जरूरत नहीं थी और दबा पर स्वयं को नुकसान किया। क्या गारंटी अभी आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी है कल को फिर मायावती बोल देंगे कि आकाश आनंद को वापस ले लेंगे? तो मायावती अपनी क्रेडिबिलिटी उस पर कहीं ना कहीं दलित इन पर शक करेगा। मायावती पर इनकी क्रेडिबिलिटी को शंका है इस समय, ठीक है।